भक्त का अपनी जीव काट कर चढ़ाने का ये वीडियो मध्य प्रदेश के रीवा के काली मंदिर का है, जहां माता को प्रसन्न करने के लिए भक्त विनोद ने अपनी जीव काट कर चढ़ा दी। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। नवरात में अक्सर हमारा यही भक्ति रहती, भगवान के लिए पूजा में रहता हूँ। यही माता रानी का वो है, जवार है, वही हमको बोली तो वही मैं करा। कल जीव चढ़ गई है। चढ़ी थी हमारे, इतना ही नहीं उसने अपने शरीर पर, इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, नवरात्रि पर एक भक्त ने मां को जीव काट कर अर्पण कर दी। उसका दावा है कि मां ने सपने में आकर आदेश दिया था, वे उसी का पालन कर रहे हैं। इसका वीडियो भी सामने आया है। दरअसल रीवा में एक भक्त ने ना सिर्फ अपने शरीर पर जवारे उगा लिए बल्कि मां को जीव काट कर चढ़ा दी। मंदिर में मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। 9 दिन तक इस शख्स ने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ 3 चम्मच पंचामृत ही लिया। रीवा के गुड़ रोड स्थित चिरहुला मंदिर के पास काली मंदिर है। विनोद कुमार साहू यहीं रहते हैं। पेशे से वे सब्जी व्यापारी हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 25 साल से माता की भक्ति कर रहे हैं, हर साल नवदुर्गा में व्रत भी रखते हैं। दैनिक भास्कर से बातचीत में विनोद ने दावा किया कि अमावस्या की रात में मां ने सपने में शरीर पर जवारे उगाने का आदेश दिया था। इसके बाद ललपा मंदिर पहुंचकर कमेटी के अध्यक्ष लल्लू मिश्रा से संपर्क कर ऐसा करने की परमिशन मांगी। वह राजी हो गए और 26 सितंबर को नवरात्र के पहले दिन जैकेट के आकार का कपड़ा तैयार कर शरीर पर लपेटा, इस पर मिट्टी लगाते हुए जवारे के बीज बो दिए। विनोद ने बताया कि दूसरे दिन बीज अंकुरित हो गए, तीसरे दिन पौधे आने शुरू हो गए, फिर चौथे, पांचवें और छठवें दिन जवारे ने हरियाली का रूप ले लिया। सप्तमी के दिन मां ने अंगदान का आदेश दिया। इसके बाद उसी दिन माता को जीव अर्पण कर दी। नौमी यानी मंगलवार को त्रिशूल की नोक पर पैदल चलना है। ये जवारे मैहर वाली माँ शारदा को भेंट करना है। भक्त ने दावा किया कि जिस तरह माँ आदेश दे रही है उसी का पालन कर रहे हैं। वहीं मंदिर से जुड़े रामकरण कुशवाहा का दावा है कि विनोद कुमार रोजाना सिर्फ 3 चम्मच पंचामृत ले रहे हैं, वो भी सुबह 6 बजे। इसके बाद खाना पीना नहीं लेते, फल तक नहीं लेते। नवरात्र के पहले दिन से एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि नित्या क्रिया तक के लिए नहीं गए हुए हैं। 24 घंटे सिर्फ माता के नाम की माला जपते रहते हैं। विनोद कुमार साहू के मुताबिक एक श्रद्धालु ने जीभ पकड़कर ब्लेड से ऊपरी हिस्सा काटकर पान में रख देवी को अर्पण किया। वहीं जीभ कटने के बाद खून की धारा बहने लगी। मां के आदेश के बाद पान का पत्ता खाया। बता दें, श्रद्धालु अनिल श्रीवास्तव ने कहा कि विनोद की भक्ति देख यहां भक्तों का आना जाना बढ़ गया है। यहां लोग भजन भी करा रहे हैं। यहां दशहरे के दिन भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। यहां दिन भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है।